खरगोन जिले में कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासनिक महकमे ने औद्योगिक क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटाया, जिसका गुस्सा ग्रामवासियों में साफ तौर पर देखा गया। दरअसल खरगोन जिले के रहीमपुरा इलाके में शासन की जमीन पर मंदिर की आड़ में लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, लिहाजा कलेक्टर अनुग्रह पी ने शासन की मंशा अनुरूप SDM को अतिक्रमण तोड़ने के निर्देश जारी किए। इस दौरान प्रशासनिक महकमे ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को हटाया, जिस पर रहवासियों ने हंगामा भी किया। मौके पर पहुंचे SDM ने बताया कि कलेक्टर के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की 10 दिवसीय मुहिम चलाई जा रही है, जो सतत जारी रहेगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कलेक्टर मैडम और SP साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि शहर के जो भी महत्वपूर्ण स्थानों पर जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। आज उसी अनुक्रम में हम लोगों ने उद्योग विभाग के अतिक्रमण हटाए। 6 दुकानें उस पर अवैध तरीके से बनी हुई थी, एक गोडाउन भी बना हुआ था, और ये रहीमपुरा वहाँ से औद्योगिक क्षेत्र से लगी हुई जगह है। यहाँ भी मेरे को शिकायत मिली, तहसीलदार से भी हमने जानकारी ली कि एक मंदिर है और मंदिर की आड़ में यहाँ पे काफ़ी अतिक्रमण किया हुआ था, जबकि रहीमपुरा पूरी स्कूल की बिल्डिंग है और चारों तरफ से बाउंड्री भी बनी हुई है। बाउंड्री के अंदर में अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा था। आज उस अतिक्रमण को भी हम लोगों ने हटाया है और ये अभियान निरंतर अभी आगामी 10 दिन तक हम लोग चलाते रहे। एक दुकान भी बनी हुई है, ये दुकान जो बनी है इसको हम लोगों ने इसलिए नहीं तोड़ा कि सरकारी भूमि में बनी है और उसको हम लोग रहीमपुरा में आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत है, तो जो पैसा है वो उसको दूसरे जगह हम लोग डाइवर्ट कर देंगे और इसमें हम लोग आंगनवाड़ी भवन संचालित करने के लिए कलेक्टर महोदय से अनुरोध करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।